ह्यूमन सॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिस्टम में प्रोडक्ट्स परचेज करना सिखाऊंगा, यानी जो स्टॉक आप सप्लायर से परचेज करते हैं उसे सिस्टम में एंटर कैसे किया जाता है। स्टॉक एंटर करने के लिए हम परचेज में GRN मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे सामने ये GRN मैट्रिक्स की स्क्रीन ओपन हो। GRN मैट्रिक्स हम कलर एंड साइज प्रोडक्ट्स जो के आम तौर पर गारमेंट्स और फुटवेयर में होती हैं को रिसीव करने के लिए बनाते हैं। हम परचेज़ किया हुआ स्टॉक इस स्क्रीन की मदद से सिस्टम में एंटर करते हैं। सबसे पहले हम सप्लायर के एरिया में वो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे जिस सप्लायर से हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं। इसके बाद ये बैच नंबर है जो के ऑटोमेटिक है। इसके बाद हम इस डेट के एरिया में वो डेट एंटर करेंगे जिस डेट में हम ये GRN बना रहे हैं, और उसके बाद हम बिल नंबर के एरिया में सप्लायर की तरफ से आए हुए बिल का नंबर अगर एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, और बिल डेट के एरिया में सप्लायर की तरफ से आए हुए बिल की डेट एंटर करेंगे। इसके बाद हम पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे कि हम पेमेंट किस सूरत में कर रहे हैं। अगर हम पेमेंट कैश की सूरत में कर रहे हैं तो हम ये कैश मोड सेलेक्ट करेंगे, और अगर हम पेमेंट क्रेडिट की सूरत में कर रहे हैं तो हम ये क्रेडिट मोड सेलेक्ट करेंगे। अगर हम पेमेंट क्रेडिट की सूरत में कर रहे हैं तो हम ये ड्यू डेट भी सेट कर सकते हैं कि हमें पेमेंट किस डेट को करनी है, और उसके बाद अगर हम इस GRN मैट्रिक्स के मुतल्लिक कोई कमेंट्स लिखना चाहें तो इस कमेंट्स के एरिया में लिख सकते हैं, और उसके बाद हम ये लाइन आइटम सेलेक्ट करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनका ताल्लुक किस लाइन आइटम से है, और उसके बाद हम इस प्रोडक्ट कोड के एरिया से वो तमाम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो हम परचेज़ कर रहे हैं। इस एरिया से प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर हमारे पास परचेज़ होने वाली प्रोडक्ट्स के बारकोड्स अवेलेबल हों तो हम फोकस इस एरिया में लाकर वो तमाम बारकोड्स स्कैन कर लें तो तमाम प्रोडक्ट्स ग्रिड में लोड हो जाएंगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम फोकस प्रोडक्ट कोड के एरिया में लाकर F1 प्रेस करें तो ये हेल्प विंडो अपीयर हो जाएगी, और हम अपनी मतलूबा प्रोडक्ट पर डबल क्लिक या एंटर प्रेस करके उसे ग्रिड में लोड कर लेंगे। अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लोड करनी हो तो हम इस होल्ड प्रोडक्ट हेल्प के चेकबॉक्स को चेक कर देंगे, और अब इस एरिया से F1 प्रेस करके हेल्प विंडो कॉल करेंगे, और अब हम जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हेल्प विंडो गायब नहीं होगी बल्कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोबारा वापस आ जाएगी। और हम तमाम प्रोडक्ट्स लोड करने के बाद खुद इस हेल्प विंडो को ऑफ करेंगे। जब हम तमाम प्रोडक्ट्स ग्रिड में लोड कर लेंगे तो हम इन एरियाज में क्वांटिटी एंटर करेंगे कि इस प्रोडक्ट की इस कलर में और इस साइज में कितने पीस आए। इसी तरह हम तमाम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कलर और साइज के हिसाब से एंटर करेंगे, और अगर किसी प्रोडक्ट का रेट यानी कीमत खरीद चेंज होती है तो हम इस रेट के एरिया में उसे चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स रिसीव करने का एक तो तरीका ये है
जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा ये गुड्स रिसीट नोट मैट्रिक्स हम किसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट भी बना सकते हैं। इसके लिए हम इस परचेज ऑर्डर के एरिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस सप्लायर के अगेंस्ट पहले से बनाया हुआ परचेज ऑर्डर शो हो जाएगा। हम इस पर डबल क्लिक करके इसे ग्रिड में लोड कर लेंगे। किसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट क्वांटिटी रिसीव करने में फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने क्वांटिटी ऑर्डर कितनी की थी और हम क्वांटिटी रिसीव कितनी कर रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ भी क्वांटिटी और रेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये तमाम प्रोसेस करने के बाद हम इस इनवाइस नंबर के एरिया में अपनी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक इनवाइस नंबर एंटर करेंगे और इसके बाद इनवाइस अमाउंट ऑटो कैलकुलेटेड है, ये वही होगी जो कि ग्रिड में टोटल अमाउंट होगी। इसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह हों तो हम मुतलका एरियाज में एंटर करेंगे और कोई सेल टैक्स वगैरह हो तो हम इस सेल टैक्स के एरिया में परसेंटेज के हिसाब से सेल टैक्स एंटर करेंगे। और ये तमाम प्रोसेस करने के बाद हम इस सेव के बटन से सेव कर देंगे तो ये GRN मैट्रिक्स सेव हो जाएगा। सेव किए हुए GRN को देखने के लिए हम रिकॉर्ड्स के टैब पर जाएंगे। रिकॉर्ड्स के टैब पर सेव किए हुए GRN को सर्च करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि करंट डेट में यानी आज जो भी GRN आपने सेव किए होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहे होंगे। इसके अलावा ये कि हम मुतलका सप्लायर को सेलेक्ट करें और डेट रेंज में वो डेट रेंज सेलेक्ट करें जिस डेट रेंज के दरमियान हमने GRN देखने हैं, और मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करें यानी हम क्रेडिट पर सेव हुए GRN देखना चाह रहे हैं या कैश पर, और उसके बाद सर्च का बटन प्रेस करें तो हमारे पास इस डेट रेंज में इस सप्लायर के अगेंस्ट सेव किए गए GRN शो हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम बगैर किसी सप्लायर को सेलेक्ट किए सिर्फ डेट रेंज एंटर करें और मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करें और उसके बाद सर्च का बटन प्रेस कर दें तो हमारे पास इस डेट से लेकर इस डेट तक क्रेडिट मोड में सेव हुए तमाम GRN ग्रिड में शो हो जाएंगे। और इसके अलावा एक तरीका ये है कि हम इस बैच रेंज के एरिया में मतलूबा GRN के बैच नंबर एंटर करें और पेमेंट मोड सेलेक्ट करके सर्च का बटन प्रेस कर दें तो मतलूबा GRN ग्रिड में शो हो जाएंगे। इसी तरह हम इनवाइस नंबर एंटर करके भी GRN देख सकते हैं और हम सेव किए हुए GRN पर डबल क्लिक करके या एंटर प्रेस करके इसे दोबारा ग्रिड में लोड कर सकते हैं और इसे चेंज या अपडेट भी कर सकते हैं। और इस गुड रिसीट नोट मैट्रिक्स की स्क्रीन पर हम रिसीव होने वाली प्रोडक्ट्स के बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। बारकोड जनरेट करने के लिए हम इस जनरेट बारकोड के बटन को प्रेस करेंगे तो रिसीव होने वाली तमाम प्रोडक्ट्स के बारकोड जनरेट हो जाएंगे और हम
सेव किए हुए जीआरएन मैट्रिक्स की रिपोर्ट भी मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए हम इस प्रिंट न्यू रिपोर्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये गुड्स रिसीविंग नोट की मैट्रिक्स फॉर्म में रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। इस रिपोर्ट पर आप देख रहे हैं कि ये रिटेल प्राइस का कॉलम खाली है। अगर आप इस रिपोर्ट के साथ रिटेल प्राइस भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट प्रिंट करने से पहले इस प्रिंट रिटेल प्राइस के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे और अब इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये गुड्स रिसीविंग नोट की रिपोर्ट रिटेल प्राइस के साथ प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह हम हर दफ़ा सप्लायर से परचेज किए जाने वाले स्टॉक को इस स्क्रीन की मदद से सिस्टम में एंटर करेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको जीआरएन मैट्रिक्स के ज़रिए स्टॉक एंटर करना, सेव किए हुए जीआरएन को चेंज और अपडेट करना और सेव किए हुए जीआरएन के बारकोड जनरेट करना सिखाया गया। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।